ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। परमान करूं, हे मसीह
सीनामल, आज हम देखेंगे कि क्यों खाने में साग सब्जियां और फलों को तवज्जो दी जाती है। अपने जिस्म को अगर चुस्त दुरुस्त और फिट रखना हो तो साग सब्जियां और मौसमी फलों को तरजीह देनी चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पेट की बहुत सी बीमारियों से हमें निजात भी मिलती है। ऐसी चीजें आयरन, विटामिन और मिनरल की कमी को दूर करती हैं। पालक, सलाद पत्ता, ब्रोकली और फली वाली सब्जियां आयरन और मिनरल से भरपूर होती हैं। सेहत के लिहाज से सर्दियों का मौसम सबसे बेहतर माना जाता है। इस समय हम फैट वाली चीजों का इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे में जिस्म में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम अपने शरीर के वजन को ना बढ़ने देना चाहते हैं तो हमें डाइट प्लान अपनाना चाहिए। अपने खाने में से हमें रेशे वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। इससे हाजमा भी ठीक रहता है, साथ ही वजन कम करने में भी हमें मदद मिलती है, क्योंकि फाइबर में कैलोरी नहीं होती है और इनसे पेट भी जल्दी भर जाता है। इसके अलावा फाइबर वाली चीजों में शक्कर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है। ऐसी चीजों को हजम करने में ज्यादा वक्त लगता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते। इनसे पेट भी साफ रहता है। अंकुरित अनाजों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इससे वजन कंट्रोल में रहता है, साथ ही त्वचा को भी गिजा मिलती है, क्योंकि अंकुरित अनाज में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की मात्रा ज्यादा होती है। इसके इस्तेमाल से खून का दौरा भी ठीक रहता है। यह दिल की बीमारियों से बचाते हैं। शरीर के लिए प्रोटीन भी बहुत ही जरूरी है। जिस्मानी वजन के 1 किलोग्राम पर रोजाना तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इससे फैट में कमी आती है, इसलिए अपने खाने में हमें दाल, मटर, राजमा, सोयाबीन, दही, अंडा, मछली वगैरह को शामिल करना चाहिए। अगर हमें अपने जिस्म को फिट रखना है तो इन नुस्खों पर भी जरा ध्यान दीजिए। रोजाना 1 गिलास बगैर मलाई का दूध पियो। छिलके वाली दाल और चोकर समेत आटे का इस्तेमाल करो। पूरे अंडे की बजाय अंडे का सफेद वाला हिस्सा ही खाएं। कभी भी भूखे ना रहें। इससे आपके जिस्म में प्रोटीन और फैट की मात्रा कम हो जाएगी। आयरन से भरपूर मेथी दानों को सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेने से पेट साफ होता है। चाय की बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। यह एंटीऑक्सीडेंट है। इससे त्वचा को कैंसर से निजात भी मिलती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। परमेश्वर हमेशा आपको तंदुरुस्त रखे। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। Hey, so.
खुशबू से तेरे पांव को मैं पोछूं, बालों से और खुशबू से तेरे पांव को मैं पोछूं, आंखों से मेरे आंसू गिर गिर के यूं कहते हैं दीवा प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, परमेश्वर ने शिक्षा पूर्वक अपने आप को हमारी प्रार्थना पर निर्भर बना दिया है। कलीसिया ने प्रार्थना में इस संसार पर शासन करने की शक्ति प्राप्त की है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य करता है और बातें करता है। यद्यपि परमेश्वर सर्वदा स्वतंत्र है और अपनी सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता में कार्य करता है, तो भी हमारी मध्यस्थ प्रार्थना के कारण अपने आप को कैदी बनाता हुआ प्रतीत होता है। परमेश्वर के सेवक हाउस बॉय प्रार्थना के बारे में कहता है, एक संपर्क करने वाली एक नली है जिसके द्वारा स्वर्ग की सामर्थ पृथ्वी पर लाई जाती है। वो आगे कहता है, हमारी विश्वास पूर्ण प्रार्थना निसंदेह परमेश्वर का वो साधन है
जिसके द्वारा वो इस संसार को मसीह के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र अपने बचाने हारे सामर्थ को देने में सक्षम होगा। परमेश्वर के दास कैल्विन ने भी शिक्षा दी है कि प्रार्थना एक साधन है जिसके द्वारा शैतान की शक्ति को नष्ट किया जा सकता है और परमेश्वर के राज को विकसित किया जा सकता है। आज मसीह की उसके सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय सिंहासन पर सर्वोच्च महिमा उसके जयवंत मध्यस्थ प्रार्थना की महिमा है। ये हमारी सर्वाधिक महिमायुक्त सेवकाई भी बन जाती है अगर हम मसीह के उत्तरदायित्व के समान कुछ देखना चाहते हैं, तो वो है मसीह के हृदय में प्राथमिक कार्यों के बोझ के लिए उसके साथ सह मध्यस्थ प्रार्थी बनना। एक मसीही मसीह की कलीसिया के लिए किसी दूसरी तरह से अपेक्षाकृत बड़ी शक्ति और आशीष नहीं बन सकता। आप किसी दूसरे तरीके से मसीह के राज की उन्नति और उसके नाम को महिमा देने के लिए कोई अन्य बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर जयवंत मध्यस्थ प्रार्थना आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवकाई है। जयवंत प्रार्थना महिमामय युक्त है क्योंकि ये आपको मसीह के हृदय की धड़कन के साथ जोड़ती है। ये महिमायुक्त है क्योंकि आप जयवंत प्रार्थना में मसीह के दर्शन, उद्देश्य, पवित्र निश्चय, प्राय उसके आत्मा की बहुमूल पीड़ा और बोझ के साझीदार बनते हैं। जयवंत मध्यस्थ प्रार्थना सर्वाधिक मसीह के अनुरूप मेहनत और सर्वाधिक आत्मिक नियंत्रण करने वाली है। आत्मा आपके साथ मसीह के दुख को तब तक बांटता है जब तक आप पुत्र के समान हृदय कंदन करने के कारण विचलित होकर अनियंत्रित नहीं हो जाते और आत्मा के समान आहे भर भर कर पुकारते नहीं है। रोमियो की पुस्तक 8 उसका 26 पद। मसीह के साथ विलाप करना, उसके साथ प्रेम करना, उसकी दुख भरी इच्छा में जलना महायुक्त बात है। मसीह की मध्यस्थ प्रार्थना की लड़ाई और जीत में भागीदार बनना महिमायुक्त बात है। कभी कभी आप प्रभावशील होने के कारण विजय होने पर आने वाले युग के सामर्थ और आनंद को महसूस करने लगते हैं। इब्रानियों किताब 6 उसका 5 पद। आत्मा के द्वारा ये आश्वासन मिलने पर कि आपकी प्रार्थना को सुना गया है, उसका उत्तर दिया गया है, आपकी महिमा आरंभ होती है। यद्यपि प्रत्यक्ष परिणाम हमेशा तुरंत ही प्रकट नहीं होते हैं, तो भी आप जानते हैं कि आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जयवंत प्रार्थना की है और परमेश्वर निश्चय ही उसका उत्तर देगा। आप जब महिमा के संसार में पहुंचेंगे तब सभी जयवंत प्रार्थनाओं को उनके उत्तरों के इनाम खोलते हुए अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महिमा प्रदान की जाएगी। मसीह के न्याय सिंहासन में परमेश्वर के जयवंत प्रार्थना योद्धाओं के लिए महान सम्मान है, अर्थात उनके लिए अनंत जीवन का सम्मान और पुरस्कार घोषित कर उन्हें प्रदान किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 11 पद। तब आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि आपकी
जीवंत प्रार्थना किस तरह परमेश्वर के प्रार्थना योद्धाओं की जीवंत प्रार्थना और परमेश्वर पुत्र मसीह की मध्यस्थ प्रार्थना से संयोजित थी। इसके बाद आपको जीवंत प्रार्थना के छिपे हुए उन संतों का पता चलेगा जो युगों से परमेश्वर के सफल और सामर्थी कार्यों का रहस्य बने हुए थे। तत्पश्चात आप देखेंगे कि प्रत्येक पवित्र प्रार्थना परमेश्वर के हृदय में आरंभ होती है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ बांटी जाती है। ये पुत्र द्वारा स्वीकृत होकर पिता के सामने प्रस्तुत की जाती है और परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा सहायता और प्रार्थना प्राप्त करती है। मेरे मित्रों, अंततः आप देखेंगे कि कोई जीवंत प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। आप ये सोचते हुए परमेश्वर के सामने आश्चर्य, प्रेम और प्रशंसा सहित दंडवत प्रणाम करेंगे। आप जैसा अयोग्य व्यक्ति मसीह की स्वर्गीय सिंहासन से सेवकाई और अनेक अनंत विजय में उसकी सुनियोजित योजना का साझेदार था। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें, कि आप उससे बातें करने के लिए तैयार है। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हम तेरे दर्शन के अभिलाषी हैं। प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है, हम पापी हैं, फिर भी परमेश्वर तूने हमें यह मौका दिया कि हम विनम्र होकर अपने पापों को स्वीकार करके अपने चरणों में आकर खुदावन तुझसे विनती और प्रार्थना कर सकें। हमें एक जीवंत मसीह बना, हमें शक्ति दे कि हम प्रार्थना में हमेशा तुझे पुकार सकें। इस पवित्र प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। होठों से मेरे
श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।